यहाँ पे हम लोगों को, या पानी की तकलीफ, देनी स्नान नहीं है यहाँ पे, रोड नहीं है, आप लोग कुछ करें, मदद तो होता है यहाँ पे कुछ भी। देखिए इनके बहरा चले गए, लोग बहरा बाहर रख ले गए, जिसका जी बोलिए, बोलिए 10 बार यहाँ पे पानी को टैंकर को फोन करके बुलाना पड़ता है, तकलीफ है, पानी बुला के मंगा, ये कहीं कहीं 15 दिन चले आते, ये कहीं जंगल का एरिया नहीं है, वो भी पैसों से मंगाते, टैंकर वाले को पानी पैसे देके बुलाना पड़ता है, पानी के पैसों से मिलता पानी है, ये कोई वो भी जल्दी नहीं आते उन लोगों भी। अच्छा टैंकर वाले भी आए तो 10-10 रुपए ले रहे, मगर जल्दी नहीं आ रहे, 20 रुपए ले रहे, बैरल को 20 रुपए ले रहे, तो वो कौन दे रहे हैं पानी, भेज रहे हैं कौन वो? नहीं टंकी से आता, वाटर वर्क्स का, हाँ। नहीं नहीं बल्दिया का ही पानी आता ना, हाँ। बल्दिया का अगर पानी आ रहा है इनका, नहीं हफ्ते में कितने बार आ रही गाड़ी? 10-12 दिन में अगर गाड़ी आएंगी, और आई तो आई 20 रुपए ले रहे इनसे कहते पहली चीज, और अगर ये इसके अंदर अगर एक एक बैरल दिए तो 10 दिन चलता। मैडम आप भी बोलो, ये 2 डब्बे 10 दिन किसी के घर में चलता, और कोई तेलंगाना के अंदर का एरिया है, कोई वहाँ का नहीं है, इंडिया के अंदर है ये, कोई बाहर नहीं चले गए, पर आंध्रा और बेंगलुरु वगैरह का जंगलों का एरिया नहीं है, इंडिया के अंदर सविता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन का एरिया है, केसीआर सीएम है यहाँ के, केटीआर का एरिया है, रोड भी देखिए कैसी है, सो गांव के जैसा हिसाब है यहाँ, यहाँ पे मोहम्मद नगर में, यहाँ पे देखिए रोड भी देखिए, यहाँ पे लेके गाड़ी भी नहीं आ सकते, पानी की गाड़ी वाले दस वक्त बोलते ये रोड अच्छी नहीं है, कैसा आना बोल के, देखिए तकलीफ दुनिया की है हम लोगों को, ये आवाम की तकलीफ है, देखिए जितनी भी लेडीज है सब तकलीफ है, चलिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावजी, आज मैं वार्ड नंबर 24 जलपल्ली म्युनिसिपल सविता इंदिरा एजुकेशन मिनिस्टर का एरिया है, रंजीत रेड्डी एमपी का है, यहाँ की आवाम मेरे को बहुत दिन से यहाँ की तकलीफ बताने के लिए ये थी, और यहाँ के मुकामी लोग बार बार मेरे को बोल रहे थे, मैं आवाम के डिमांड पे यहाँ तक आया और आवाम से पूछा, वीडियो के जरिए आवाम की तकलीफ आप लोग सुन लीजिए, मैं किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की जातियत पे बोलने के लिए नहीं आया, यहाँ के लोगों का जो काम है, एक तो पानी पीने का नहीं है, यहाँ लाइन डाल के छोड़ दिए, पानी नहीं छोड़ रही, पानी अगर दिए भी कुछ घरों को तो हफ्ते में एक बार दे रहे, दूसरे घरों को तो नहीं दे रहे, और एक एक दूसरी बात, मोहरी की लाइन नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ से आवाम को हॉस्पिटल जाना है तो 2 किलोमीटर रोड पे जाना पड़ता पैदल, ऑटो कोई नहीं आता, हाँ, और यहाँ का चेयरमैन जो भी रहें दो 30 मार्खा कोई काम नहीं करा रहा, एक चेयरमैन का काम है आके पब्लिक से मिलना, मेरा काम नहीं, मैं बारकस से यहाँ कहीं को आता हूँ, आवाम की तकलीफ है दर्द सुनने के वास्ते आगे अब तक बताता हूँ, चेयरमैन नहीं आ रहा यहाँ तक, काउंसलर का काम है मुकामी उन्हें भी नहीं कर रहा, सिर्फ जमीनों में बिजी है, उन्हें तो पूरे प्लाटों में उधर इधर, यहाँ का मुकामी अगर प्रूफ के साथ देता हूँ आए अगर नहीं तो कोई पूछने, और रहा टीआरएस का कोई लीडर आके इनसे नहीं पूछ रहा, ये काम कौन करेंगे आवाम का, आवाम का काम कौन करेगा बताओ, तो मेरी अपील है रंजीत रेड्डी सविता इंदिरा रेड्डी और जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर मैडम से कि आइए आवाम का काम देखिए, याद रखिए 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाला है, ये आवाम अगर वोट नहीं डालेंगी तो फिर कभी भी सविता इंदिरा रेड्डी मैडम मैश्रम से कि आप कोई एरिया से एमएलए नहीं बन सकते, क्योंकि उसके मेरे कहने चैलेंज के साथ कहता हूँ, 2 मिनट भी तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, आप एक कॉलेज नहीं डाले, एक सेकंड का सेकंड ईयर नहीं डाले, फर्स्ट ईयर टेंथ का स्कूल नहीं है, बस्ती दवाखाने नहीं खोले आप, हाँ बारकस को अकबरुद्दीन ओवैसी के एरिया में, हमारे अकबर साहब के एरिया में जाना पड़ रहा, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैसे लेके जाना पड़ रहा, पैदल जाना पड़ रहा, कौन है इसके जिम्मेदार बताओ, तो केसीआर से गुजारिश है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं फिर एक बार अबदन गुजारिश करना चाहता हूँ, अदबन गुजारिश है कि आपका चेयरमैन है यहाँ पब्लिक के दरमियान में रह रहा नहीं, मिल रहा नहीं, इंचार्ज भी है आपका रह रहा नहीं, मिल रहा नहीं, आपके कॉर्पोरेटर भी है, मैं भी आपकी जमात का, मगर जो गलत है गलत है, आवाम की तकलीफ बता रहा हूँ मैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, देखिए जलपल्ली म्युनिसिपल के अंदर आप